अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद कलीम और आप देख रहे हैं ग्लोइंग गार्डन्स। तो जी दोस्तों, आज जो अम्ब्रेलस हमारे सामने है इसका नाम है फ्लेम्ड क्वीन। जी, इसके फूल का साइज़ आप देखें कितना ज़बरदस्त, कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। ये इसके जो पेटल्स हैं वो भी आम जो अम्ब्रेलस हैं उनसे थोड़े डिफरेंट हैं, और क्योंकि इनकी शेप थोड़ी डिफरेंट है, और जो इसके फूल का जो रंग है वो बड़े कमाल का। अगर आप गौर से देखें तो इसके सेंटर में आपको एक वाइट लाइन नज़र आएगी और उसकी साइडों पे आपको वाइट और पिंक कलर का एक जाल सा नज़र आएगा, और ये पिंक जो है ये शॉकिंग पिंक कलर है, बड़ा ही खूबसूरत कलर है, बड़ी खूबसूरत अम्ब्रेलस है। आप इसको देखें, ये बड़ी यूनिक है। ये भी मार्केट में अभी नहीं आई है और ये इतनी कॉमन नहीं है, आपको ये बहुत कम सेलर्स के पास नज़र आएगी, और अगर जहाँ भी आपको जब भी नज़र आए आप इसको फ़ौरन ख़रीद लें क्योंकि ये अभी आम नहीं है। तो हम इसके फूल को आपको करीब से भी दिखाते हैं और जो है इसके फूल का साइज़ भी लेते हैं और इसके स्टाक की हाइट भी हम देखते हैं कि कितनी है। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फूल का साइज़ देखते हैं कि वो कितना है। तो ये देखें जी, ये है तकरीबन 8.5 इंच, 8.5 इंच से भी ये ज़्यादा है, 9.25 इंच के करीब इसका साइज़ है। ये आप देख सकते हैं 9.25 इंच इसका साइज़ है। अच्छा, बड़े साइज़ का फूल है। फूल को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे वाइट लाइन नज़र आएंगी, हर पेटल पे आपको वाइट लाइन नज़र आएगी, और इसकी साइड्स पे पिंक, शॉकिंग पिंक का जो एक नेट सा बना हुआ है, जाल सा बना हुआ है, बेस इसकी वाइट है, और अगर इसको सेंटर से देखें तो ये आपको ग्रीन नज़र आएगी, और बिल्कुल एंड पे जाके आपको ये रेड कलर भी इसमें नज़र आएगा, बिल्कुल डार्क रेड है, डार्क रेड। इसके हर स्टाक के ऊपर 4 फूल आते हैं और इस वक्त जो हैं वो 2 खिले हुए हैं। तो इसके स्टाक का साइज़ भी हम देखते हैं क्या है। तो इसका जो स्टाक है जी वो है 16 इंच, 16 इंच का ये साइज़ है। बड़ी खूबसूरत एक नई वैरायटी है और ये आपकी कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर इसके फूल को हम बैक साइड से देखें तो ये बैक साइड से बिल्कुल वाइट है, और जो रेड इसके, जो रेड और पिंक, पिंक जो है ना, जो डार्क पिंक इसके सामने वाली साइड पे लाइंस हैं वही इसकी बैक साइड पे आपको नज़र आएंगे, और छोटे छोटे आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे रेड कलर के, और सेंटर में आपको एक ग्रीन लाइन नज़र आएगी जो नीचे से शुरू होती है, गहरी है, और जैसे जैसे पेटल के एंड पे आती है वो हल्की हो जाती है। बाकी सारा फूल जो है सफ़ेद और पिंक कलर में आपको नज़र आएगा, बड़ा ही खूबसूरत रंग है ये।